टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फोन के बारे में जानने से पहले इस फोन के कुछ हाईलाइट फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। रिनोश्री जो जनरली होती है कैमरा डिजाइन, ये उनके हाईलाइट होते हैं। इस टाइम मैं कहूँगा थोड़ा बहुत प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी अच्छा है इस फोन का। जनरली ओप्पो के फोन हम वैल्यू फॉर मनी नहीं कह सकते हैं, बट दिस इज कमिंग क्लोजर। और ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ सब पता चल जाएगा वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बता दूं, ये स्मार्टफोन इन हैंड फील है, फ्लैट साइड है, हाथ में परफेक्टली फिट हो जाता है। इस फोन का वेट 185.5 ग्राम है। बड़ी स्क्रीन है, बड़ी बैटरी है, उसके बावजूद भी लाइट है। आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास आता है। फ्रेम मेटल है, मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन है। आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। पीछे की तरफ भी ग्लास है, बट आई डोंट नो पोर्ट्स एंड बटन्स। नीचे में यूएसबी टाइप सी पोर्ट, सिम कार्ड जो कि एक डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है, और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट है 12/256। ऊपर में स्पीकर ग्रिल, नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, राइट साइड में पावर बटन। डिस्प्ले 6.7 इंचेस का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और हाँ, रिनो 7 प्रो में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता था, इसमें 120 हर्ट्ज हो गया है। एंड 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी आता है। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स वगैरह आप देखोगे तो HDR में देख पाओगे। बेजल्स और चिन भी बहुत पतली है, इसलिए 93.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, आउटडोर में भी बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकेशन के बारे में कहूँ तो इसमें आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 मैक्स प्रोसेसर के ऊपर। इसका अंततः स्कोर 7,30,000 के आसपास आता है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही वेरिएंट है 12/256 LPDDR5 रैम टाइप एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। बैटरी 4500 mAh की बैटरी विथ 80 वाट चार्जिंग, 11 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है। OS के बारे में कहूँ तो इसमें है कॉलर OS 12.1 विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। गेमिंग वगैरह भी हाई एंड मीडियम सेटिंग पर खेल सकते हो। इसका ऑडियो भी मस्त है। मल्टीमीडिया के लिए फोन तो बेस्ट है ही। कनेक्टिविटी के बारे में कहूँ तो सभी ऑप्शन मिलते हैं। 8100 मैक्स है, 5G प्रोसेसर है, 12 बैंड्स का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट आता है विच इज गुड, ब्लूटूथ 5.3 है, NFC का भी सपोर्ट है, डुअल 4G वोल्ट भी है, Wi-Fi कॉलिंग सब है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, 50 megapixel प्लस 8 megapixel प्लस 2 megapixel। 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड है। प्राइमरी सेंसर जो है वो है सोनी का IMX766। आगे की तरफ भी सेंटर पंच होल में आपको सोनी का IMX709 32 megapixel का सेंसर मिल जाता है। खैर, फोटोज की क्वालिटी डिसेंट है और लो लाइट में भी डिसेंट है। वीडियोग्राफी की बात की जाए तो 4K 30fps पर शूट कर सकते हैं, 60fps नहीं है, OIS नहीं है। अल्ट्रा वाइड के बारे में कहूँ तो इसका जो FOV है डेट इज 112 विच इज स्लाइटली लो, बट सेल्फी की बात की जाए तो वाइड एंगल सेल्फी निकाल पाओगे। अदर फीचर्स, कैमरा 2 API का सपोर्ट, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स भी HDR पर देख सकते हैं। बड़ी स्क्रीन है, AMOLED स्क्रीन है, वेरी नाइस। और इसमें ओ हैप्टिक्स आता है, ये भी बढ़िया है। सेंसर के बारे में कहूँ तो सभी सेंसर आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो ऑप्टिकल है, फेस अनलॉक भी जो काफी फास्ट काम करता है। तो फाइनली अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। एक ही वेरिएंट है और उसका प्राइस है 45,999 में। ऑफर्स वगैरह जरूर लगा लेना, कम हो जाएगा। आप बताइए आपको ये स्मार्टफोन किस तरह का लगा और इसके कौन से फीचर सबसे अच्छा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।